जय श्री राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है वेद मूवी के ऊपर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम वेद मूवी की कहानी के बारे में और उस पर छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वेद मूवी की कहानी के बारे में। तो यह मुंबई के बाहरी इलाके में एक महत्वाकांक्षी लड़के सत्या यानी रितेश देशमुख के बारे में है, जो एक क्रिकेटर बनने की इच्छा रखता है। उसका सामना निशा यानी जिया शंकर से होता है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। नियति उसे उससे दूर ले जाती है और वह अपनी पड़ोस की लड़की श्रावण यानी जेनेलिया देशमुख से शादी करने के बाद भी दुखी रहता है, जिसने उसे हमेशा के लिए प्यार किया है। यह उसके बारे में है कि वह अपने छुटकारे को पा सके और अतीत के साथ शांति बना सके। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार है कि रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा दो बैक टू बैक वेद और मिस्टर मम्मी में एक साथ काम कर रहे हैं। तेरे नाल लव हो गया, तुझे मेरी कसम जैसी फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद रितेश ने वेद के साथ एक निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें वह जनता को लुभाने के लिए लगभग हर संभव मसाला सामग्री पैक करते हैं, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है, जो एक खेल के रूप में भारत में धर्म से कम नहीं है और अपने वास्तविक जीवन की पत्नी जेनेलिया डिसूजा के विपरीत है। और आखिरी लेकिन कम से कम अजय अतुल का जोशीला और भावपूर्ण संगीत है। अनुभवी अभिनेता अशोक सराफ को अपने पिता के रूप में कास्ट किया है। जहाँ तक प्रदर्शनों की बात है, मुझे यह स्वीकार करना होगा चाहिए कि रितेश ने हिंदी में कई फिल्मों में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में काम करने के बाद न केवल एक निर्देशक के रूप में एक बहुत ही आशाजनक शुरुआत की है, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया है जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। जेनेलिया एक स्वाभाविक कलाकार, एक गृहिणी के रूप में अपनी भूमिका में शानदार है, जो अपने पति पर पागलों की तरह प्यार करती है। खलनायक के रूप में रवि राज कन्नाडे वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देते हैं और अपने हिस्से के साथ न्याय नहीं करते हैं, जिसके लिए एक मजबूत अभिनेता की आवश्यकता होती है। विद्याधर जोशी श्रावणी के असहाय पिता के रूप में अपने चरित्र के साथ स्कोर नहीं करते हैं, जबकि सत्या के पिता के रूप में अशोक सराफ सहजता के साथ एक अभिनेता के रूप में अपने सामान्य सक्षम है।